नमस्कार किसान साथियों, एफ टू डी एफ मोबाइल ऐप और एफ टू डी एफ वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लेके आई है। जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अभी हम जो बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्योंकि अब एक चीज देखिएगा, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, मतलब आने वाले समय में ठंड बढ़ने वाली है। अब जैसे जैसे ठंड आने वाले समय बढ़ेगी तो ऐसे में हमारे पशु जो है उनको सर्दी लग सकती है, उनको बुखार की समस्या हो सकती है, उनको जुखाम हो सकता है, ठंड की शिकायत हो सकती है। तो ऐसे में हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब हमारा पशु बीमार हो जाए तब हमें कैसे उसका इलाज करना है। वैसे देखिएगा, अगर आपका पशु बीमार हो गया है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो हमारे पशुपालक भाइयों को होगा, क्योंकि सबसे पहले पशु का जो दूध का उत्पादन है वो कहीं ना कहीं गिरेगा। दूसरा, जो उसकी दवाई के ऊपर जो हमारा डॉक्टर के ऊपर खर्चा होगा, जो पशु का इलाज करने के लिए आएगा, वो खर्चा हमें वहन करना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पशुपालक भाइयों को यही है कि पशु बीमार भी होगा, दूध का उत्पादन भी गिरेगा और दवा के ऊपर खर्चा भी ज़्यादा होगा। तब ऐसे में हम घर में ही हमारे पशुओं का इलाज कर सकते हैं। एक चीज देखिएगा, आपके पशु को ठंड की कोई भी समस्या हो, चाहे वो बुखार हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो जुकाम हो, उन सब का इलाज आप अपने घर में ही कर सकते हो। एक चीज देखिएगा, हमारे घरों में हर पशुपालक भाई को कम से कम एक गिलोय की बेल जरूर लगानी चाहिए। गिलोय जो है वो एक रामबाण इलाज है। देखिए, जब एक व्यक्ति भी बीमार होता है, एक व्यक्ति को बुखार भी होता है, तब एक व्यक्ति अपना जो इलाज है ना वो भी कर सकता है इस गिलोय की बेल से। तब गिलोय की बेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो गिलोय की बेल जो है उसकी विधि क्या होनी चाहिए लेने की। देखिए, सबसे पहली बात, आपको 200 ग्राम गिलोय की बेल के पत्ते और गिलोय की बेल की जो ये आपको तना दिख रहा है, तना और गिलोय की बेल के पत्ते लीजिएगा, उनको बारीक कूट के बारीक पीस के आपको पानी में उबालना है। फिर वो 200 ग्राम लिया, उसको बारीक कूटा पीसा और पानी में उबाल करके अपने पशु को पिला दिया। अब एक चीज देखेंगे कि जैसे आपने ये दिया है, इसका सबसे पहली बात क्या है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है हमारे पशु को, बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है। आप जो दवाई डॉक्टर से लेके आएंगे ना तो उसमें केमिकल मिले हो सकते हैं। एक पशु जो आपका है वो एक बार ठीक तो हो जाएगा, लेकिन आपके पशु के शरीर के अंदर रसायन जाएंगे जो लंबे समय के बाद पशु को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन ये 100% आयुर्वेदिक सबसे पहली बात ये है। अपने पशु को गिलोय की बेल उबाल करके पिलाएंगे, आप देखेंगे कि एक दिन के अंदर वो जल्दी 3-4 घंटे के अंदर आपका पशु जो है उसका बुखार, उसकी सर्दी, उसका जुकाम है वो ठीक हो चुका होगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पशु को ज़्यादा बुखार है तब आप क्या कर सकते हो, गिलोय का जो बेल का जो पानी है उसमें आप सौंठ, उसे 20 ग्राम सौंठ को बारीक कूट के पीस करके वो मिला करके अपने पशु को पिलाइएगा। 100% हम बता रहे हैं दावे के साथ कि आपके पशु जो है वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास गिलोय की बेल नहीं है, आसपास अगर आपने किसी किसान साथी से पूछा कि उसके पास गिलोय की बेल है तो यही इलाज कीजिएगा, अगर नहीं है तो उसके बाद आप कहीं से भी गुड़ लेके आइएगा, गुड़ की ओटी बना करके उसमें आप 20 ग्राम हल्दी और 20 ग्राम सौंठ, सौंठ को बिल्कुल बारीक कूट के पीस करके मिला करके उसे उबाल करके अपने पशु को दीजिएगा। आपका पशु जो है उसकी बीमारी, उसका बुखार, उसकी सर्दी, उसका जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन दोनों में से आप कोई भी पद्धति अपना सकते हो। देखिए, हमारा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है, क्योंकि अभी मौसम का परिवर्तन हो रहा है, ठंड शुरू होने वाली है, ऐसे में हमारे पशु पहली बात तो बीमार ना हो, और अगर बीमार हो जाए तो उनका इलाज हम घर पे ही कर सकें, बाजार पे मार्केट से हमें दवा के ऊपर खर्च करना ना पड़े, ना हमारा पशु बीमार हो, ना हमारे दूध का उत्पादन गिरे, और ना ही हमारा एक्स्ट्रा दवाइयों के ऊपर खर्चा हो, और ना हमारे पशु के शरीर के अंदर रसायन जाए। तो ऐसे में आप घर पे ही अपने पशुओं का इलाज कीजिएगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा सकें, जिससे किसान भाई लाभ उठा सकें, उनका नुकसान ना हो। आप हमसे ऐसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। किसी भी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें लिखिएगा, हमें बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बना के आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और जो किसान साथी नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप को समय रहते नॉलेज है वो आप तक पहुंच सके। हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।